तो हाय दोस्त, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्मॉल लीग हेड टू हेड कैसे हम विन करते हैं और उसके बाद टीम किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहला बात है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही तो आपको किसी प्रकार का कोई क्वेरी है तो कमेंट करते हैं। कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तभी आपको जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से टीम बनाते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ को हमको दिमाग में रखना होता है। तो सबसे पहला बात है, आप इस जगह पर देख सकते होंगे, मैं इन तीनों के बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, पिच रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट और उसके बाद प्लेयर स्टेट्स। इन तीनों का जानकारी आपको होना चाहिए। आप किसी प्रकार का टीम बना रहे हैं, हेड टू हेड बना रहे हैं, दो मेंबर बना रहे हैं, तीन मेंबर बना रहे हैं, आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। पिच रिपोर्ट का मतलब हो गया कि इस पिच पर किसको ज़्यादा फायदा मिलेगा, बॉलर को या बैट्समैन को, और अगर बॉलर को मिलेगा तो कौन सा बॉलर को मिलेगा, स्पिनर को मिलेगा या पेसर्स को मिलेगा, ठीक है। ग्राउंड रिकॉर्ड्स का मतलब ये होता है कि मान के चलिए मुंबई का वानखेड़ा स्टेडियम है, उस पर रोहित शर्मा कैसा खेलते हैं, उनका रिकॉर्ड क्या है, तो वो सब सारा चीज़ आपको ग्राउंड रिकॉर्ड से पता चलता है। उसके बाद प्लेयर स्टेट्स, प्लेयर स्टेट्स का मतलब है कि मान के चलिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच है तो उन दोनों टीम के बीच में खेला होता है तो कौन कौन खिलाड़ी सा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं या फिर किसका कौन खिलाड़ी का परफॉर्मेंस ख़राब होता है, ये चीज़ आपको प्लेयर स्टेट से पता चलता है, ठीक है। तो चलिए इन तीनों के बारे में आपको बता दिया है, अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको हम कवर करते हैं। आप इस जगह पे देख सकते होंगे, फर्स्ट नंबर जो है, लुक विच साइड टीम इज़ स्ट्रॉन्ग, मतलब कि आपको ये चीज़ आपको खुद से पता करना होगा कि कौन सा टीम जो है मजबूत है, ठीक है। तब जब हम टीम बनाते हैं तो मजबूत और कमज़ोर में किस तरह से टीम बनता है, तो अगर आपका जान रहे हैं कि कोई भी मजबूत टीम है तो उसमें से हमें 7 खिलाड़ी लेना होता है, ठीक है। मजबूत टीम से ये नहीं कि जो कमज़ोर टीम है उसे 7 खिलाड़ी देंगे, उससे आपका टीम कमज़ोर हो जाता है। तो सबसे पहला बात आपको बता दिया कि स्ट्रॉन्ग टीम को आपको पता करना होगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग टीम है, अगर जो स्ट्रॉन्ग टीम है उससे आपको 7 खिलाड़ी देना होता है। उसके बाद ट्रू लाइनअप क्या है, ट्रू लाइनअप वो चीज़ है जब टॉस होता है, टॉस अपडेट आने के बाद आपको जो प्लेइंग 11 शो करता है वो ट्रू लाइनअप होता है, वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको क्रिक बज पे मिल जाएगा, ठीक है। क्रिक बज एप्लीकेशन, क्रिक बज पे जो भी प्लेइंग 11 शो होता है उसी के अकॉर्डिंग प्लेयर अपना बैटिंग या बॉलिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए तीसरा पॉइंट को हम कवर कर लेते हैं इस जगह पे, विच लीग यू हैव टू प्ले, मतलब कि आपको कौन सा लीग खेलना चाहिए। तो सबसे पहला और आखिरी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ड्रीम इलेवन पर खेल खेल के हार हार के थक गए हो तो आपके लिए हेड टू हेड से बढ़िया कोई लीग नहीं होता है, ठीक है। अगर उससे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट करना चाहते हो थ्री मेंबर जीएल आप भूल जाइए, ठीक है। जीएल आपको सिर्फ लालच के लिए दिखाया जाता है, 2 करोड़, 1 करोड़, 50 लाख, 25 लाख, वो आपका लक बाय चांस होता है, कभी कल हो गया है, हमेशा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप जितना पैसा ड्रीम इलेवन का जीएल में लगाते हैं उतना पैसा अगर आप स्मॉल लीग में खेलो तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। तो उसके बाद चौथा पॉइंट जो है उसको देख लेते हैं, सेलेक्ट सीबीसी, सीबीसी में कैसे सेलेक्ट करना है। तो हेड टू हेड में क्या होता है कि आपके टीम में 9 खिलाड़ी जो होंगे एकदम कॉमन रहेंगे, जो आपका अपोनेंट के पास भी रहेंगे, ठीक है। आपको 2 खिलाड़ी चेंज करना होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक खिलाड़ी जो है आपको बॉलर से चेंज कर लेना है, एक खिलाड़ी आपको बैट्समैन से चेक कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको सीबीसी सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, जिसको सीबीसी सभी लोग क्या करते हैं स्मॉल लीग में, जिसको कप्तान बनाते हैं उसको आप भी बना दीजिएगा स्मॉल लीग में सेफ जाना है तो, और वीसी जिसको सभी लोग वीसी बना रहे हैं उसको बना देना है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपको उसमें करना है, यहाँ पे देखिए 5वां नंबर पॉइंट में टीम कॉम्बिनेशन, टीम कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि आपने 11 खिलाड़ी चुना, उसमें से 9 खिलाड़ी आपको कॉमन मिलेगा, सभी की टीम में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। अब उसको
अपना जो अपोनेंट है उससे हमें जीतने के लिए क्या करना होगा, हमको एक से दो चेंजेस करने होते हैं। सबसे पहला बात, या तो आप बॉलिंग में चेंज कर लीजिए या फिर बैट्समैन में चेक कर लिए। जैसे बॉलिंग में उस बॉलर को आप अपने टीम में रख सकते हैं जो पिछला मैच में कुछ खास नहीं कर पाया है, विकेट नहीं लिया है, और सभी लोग क्या करेंगे कि उस खिलाड़ी को लेंगे जो पिछला मैच में अच्छा विकेट लिया, उस खिलाड़ी को अपने टीम में रखेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा हट के जाना, और बैट्समैन में भी आपको उसी तरीके से चला के करना है कि जो बैट्समैन पिछला मैच में या एक दो मैच में रन नहीं मारा है और आपको लग रहा है कि नहीं अच्छा खिलाड़ी ये मारेगा, ठीक है, कम रेगुलर अच्छा खेलता है, तो उस खिलाड़ी को अपने टीम में रखिए, क्योंकि अगला खिलाड़ी है जो उसको अपने टीम में नहीं रखेगा, उससे होगा क्या, आपका टीम वन साइडेड विन करेगा। ठीक है, हमको पता है कि आप इस ट्रिक से अगर खेलते हैं तो आपका टीम जो है वन साइडेड विन करेगा, जिससे आप मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो, अपना लॉस कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको टीम बना करके भी दिखा दूंगा कि किस तरह से टीम हमें स्मॉल लीग का बनाना होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।